हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना मसाला न्यूज। तो आज की वीडियो में हम लाए हैं जो मूवी आई है द लायन किंग, और इसमें आपको बता दें जो शेर रहता है वहाँ पे आवाज दी गई है शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने अपनी आवाज दी, आर्यन खान ने, तो इन लोगों ने अपनी मतलब अपने फिल्मी स्टार्स है जो हिंदी बॉलीवुड के, इन्होंने अपनी आवाज दी है। तो आपको बता दें कि ये जो मूवी है ये 19 जुलाई को रिलीज हो चुकी थी। 19 जुलाई को रिलीज होने के बाद इसका टोटल कलेक्शन हो चुका है। कुछ इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडिया के बताते हैं आपको 91 करोड़ से यानी कि 91 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है इसका अभी तक। और बात की जाए आज के कलेक्शन की तो आज इसका 9वां दिन है, और 9वें दिन कुछ ऐसा ही 5-6 करोड़ की कमाई कर सकती है क्योंकि ये हॉलीवुड मूवी है। तो फिर भी हॉलीवुड मूवी होने के बाद भी 9 दिन में इसने 91 करोड़ की अच्छी ब्लॉकबस्टर कमाई की इंडिया में। और ये मूवी हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, तमिल भाषाओं में रिलीज हुई थी। तो आपको बताएं कि इसका पूरा वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन कितना है। तो आप बता दें कि टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका हो चुका है 5,740 करोड़। हाँ, ये 5,740 करोड़, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में कोई ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी मतलब हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे डॉलर्स वाले वो अलग ही रहते हैं, यहाँ पे हॉलीवुड की मूवी बहुत चलती है, और यहाँ पे बॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी नहीं जो यहाँ पे 5 करोड़ का मतलब 5,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सके। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और ये भी आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारे यहाँ पे इंडिया में भी ऐसी मूवीज आएंगी जो 5,000 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे। तो ये मूवी इस साल की सबसे हिट मूवी है द लायन किंग। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप अपने नजदीकी जो सिनेमाघर है वहां पे जाकर देख सकते हैं। और वीडियो कीजिए लाइक, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये न्यूज आपके सभी फ्रेंड्स तक पहुंच सके, और इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसी न्यूज आपको हमेशा मिलती रहे।